का दिन है आया बिल्कुल लल्लंटा। निबोसा निबोसा सोडा पानी नींबू के साथ क्या पिएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरा रिव्यू हिंदी में देखिए बाला के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने फिल्म देखी है बाला। आपको अगर कुछ ऐसी हिचकिचाहट होगी कि बोलेंगे कि अरे मैंने पिछले हफ्ते उजड़ा चमन देखी है, अब ये फिल्म मैं कैसे देखूंगा, इसकी जो कहानी है या इसकी जो इसका जो आइडिया है सिमिलर है उस फिल्म के साथ, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूंगा कि आप ये फिल्म जब देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे और एक अगर और एक ऐसी कहानी रहेंगी टकले के बारे में तो वो भी देख लेंगे हम। ऐसी है ये फिल्म, इसमें आपको नयापन दिखेगा, इसमें वैसापन नहीं दिखेगा जैसे आपने उजड़ा चमन में देखे थे। उजड़ा चमन तो वो भी एक ह्यूमैनिटी के बारे में बात है उसमें, लेकिन इसमें एक कॉमेडी का जो टर्का है, इसमें कॉमेडी का जो टच है, इसमें जो फीलिंग्स है इस फिल्म के अंदर, इसकी जो डायरेक्शन है बहुत डीप में जाती है। ये फिल्म वही कहानी है एक टकले के बारे में जो जवानी में टकले हो जाते हैं और उस पे उनकी कुछ हिचकिचाहट होती है पब्लिक के लोगों के पास जाना, लोगों के पास बात करना कि मैं टकला हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बाल उगाने हैं, मुझे प्यार करना है, और वो प्यार भी कर लेता है एक हसीन लड़की से जो एक मॉडल है, उसके साथ प्यार हो जाता है, लेकिन ये प्यार एक झूठा प्यार रहता है क्योंकि वो बताता नहीं कि वो टकला है रियल में। ये फिल्म की जो कहानी है इसमें आपको कई चीज़ों के बारे में और कई पहलों के बारे में आपको कुछ डीप में पता चलेगा, जैसे कि आप अगर टकले हो या आप काले हो या आप मोटे हो या आप पौने हो, हर चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि आप अगर ऐसे हो तो आपके हाथ में नहीं है, आप जैसे भी हो आप अपने आप से प्यार करो, आप अपने आप को झेलो जैसे आप हो। वही इस फिल्म की जो मैसेज है, ये एक मैसेज नहीं है, इसमें बहुत कई मैसेज है इस फिल्म के अंदर। फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक जिसने स्त्री बनाई थी पिछले साल, इस फिल्म के अंदर उन्होंने बता दिया कि वो हर किस्म के जो कॉमेडी ह्यूमरी कॉमेडी है या फिर हॉरर कॉमेडी थी पिछले साल, वो उसमें माहिर है, वो बना उनके पास वो स्किल्स है जो कई डायरेक्टरों के पास नहीं मिलता आजकल। उसने इस फिल्म में जो कानपुर का जो माहौल है, लोग है और वहाँ के जो हालात है उसमें इस फिल्म के अंदर अच्छी तरीके से दर्शाए हैं, और जहाँ ह्यूमर की बात रहती है तो वो ह्यूमर इस फिल्म के अंदर बहुत ही नेचुरल दिखता है, ऐसा कुछ झूठ मूठ का नहीं दिखता है, और हर चीज़ के बारे में और हर पहलू के बारे में जो बात होती है फिल्म के अंदर बहुत ही असली दिखती है, कोई ऐसा बनावटी नहीं दिखता है मेरे ख्याल में। इस फिल्म का जो स्टोरी बोर्ड है या फिर इसका स्क्रिप्ट जो इससे पहले शुरू हुआ था, ये कई जगहों में बना सकते थे, फिल्म को कई जगहों में जा सकते थे कि ये बॉम्बई शहर में या फिर ऐसे शहर में या फिर यूरोप में कहीं भी हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने ये एक ऐसी जगह छेड़ी है जहाँ पर कई चीज़ों के बारे में बात हो सकती है, जहाँ पर ब्यूटी के बारे में बात हो सकती है, जहाँ जो काले रहते हैं उन लोग को कौन सा क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ के लोग ये सच्चाई के बारे में कितना लोग सच दिखता है, या फिर जो लोग इन्वॉल्व है सोशल मीडिया के साथ, सोशल मीडिया में बहुत अपना भाव दिखाते हैं लोगों के, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा डांस करता हूँ, मैं ये करता हूँ वगैरह करता हूँ, ये जगह अगर कहाँ पे मिलेंगे इंडिया में, तो वो लोगों ने ढूंढ के निकाले, कई जगहों में होता है, लेकिन कानपुर की जो जो बात है वो अलग बात है, इसमें कानपुर का जो लहजा है, बात करने का अंदाज़ है, वही उसमें ह्यूमर भी आता है और वो भी सच्चाई की तरह दिखाता है। तो इसका जो स्टोरी बोर्ड है, इसका स्क्रिप्ट राइटिंग था, बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और बहुत अच्छे अंदाजे पे बनाया गया है। एक्टिंग की बात अगर करें तो इसमें आयुष्मान खुराना है लीड एक्टर है इस फिल्म के, बाला के रोल में है। इस फिल्म में उन्होंने साबित कर दिया कि अगर कोई भी स्क्रिप्ट उनके पास आएगा वो स्क्रिप्ट निखर के आएगा हमारे पास स्क्रीन पे। तो उनका जो चॉइस है स्क्रिप्ट का बहुत ही अच्छा चॉइस है, आमिर खान की तरह दिखाई देते हैं मुझे इनकी जो चॉइसिंग है फिल्मों की, और इस फिल्म में जो एक्टिंग की है आयुष्मान खुराना, मेरे अंदाजे में और मेरे तसव्वुर में इनका जो एक्टिंग था सबसे अच्छा एक्टिंग था और सबसे अच्छा करेक्टर उन्होंने किया है अपने
इस फिल्मी करियर में जो अभी से शुरू हुआ है उनका। अंधाधुन में तो बहुत अच्छा काम किया है, बधाई हो में भी बहुत अच्छा काम किया है, ड्रीम गर्ल में भी अच्छा काम किया है, लेकिन इस फिल्म के अंदर उनका जो कैरेक्टर है, उनका रोल है, बहुत ही अच्छा दिखाया गया है फिल्म के अंदर। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाजे से दिखाया है आयुष्मान खुराना ने, और उन्होंने साबित भी कर दिया है इस फिल्म के अंदर कि जो लोग बोलते हैं कि आयुष्मान खुराना एक ऐसे एक्टर है जो स्क्रिप्ट के मुताबिक वो काम कर लेते हैं और उनका जो रोल रहता है, उनका कैरेक्टर रहता है, वो कोई भी कर सकता है या उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि आप अगर कोई भी फिल्म का अंदाज़ा लगाएंगे, कोई भी करेक्टर का अंदाज़ा लगाएंगे फ्यूचर में, तो आप बता सकते हैं और बोल सकते हैं नहीं ये करेक्टर तो आयुष्मान खुराना भी कर सकेंगे। तो इस फिल्म में उन्होंने ये साबित भी कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि ये रोल इस साल का वन ऑफ द बेस्ट रोल रहेगा और उनको नॉमिनेट करना चाहिए इस फिल्म के अंदर एज अ बेस्ट लीडिंग एक्टर फॉर दिस ईयर 2019। इस फिल्म में भूमि बंडेकर भी है और ट्रेलर में शायद उनका जो हिस्सा दिखाया गया है बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन फिल्म के अंदर उनका रोल भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही उम्दा है। थोड़ा मुझे एक बात पे मुझे घुटन सी लगती है कि उनका जो मेकअप है इस फिल्म के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जैसे कि सांड के आग में, वैसी बात यहाँ भी शुरू भी हो गई कि कभी कभी उनका जो डार्कनेस है उनका जो चेहरे पे है कभी भी थोड़ा ज़्यादा डार्क रहता है, कभी कम डार्क रहता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनका जो रोल है फिल्म के अंदर बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अच्छा है और वो तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है फिल्म के अंदर, उनका यानी बोलबाला है एज अ एक्ट्रेस फिल्म स्टीप है। लेकिन मुझे ज़्यादातर अच्छा रोल दिखा एज अ फीमेल एक्ट्रेस यामी गौतम अच्छी लगी। यामी गौतम एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कई फिल्मों में उनका रोल इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया जाता या उनका अच्छा रोल नहीं दिया जाता, फिल्में भी अच्छे रहे बॉक्स ऑफिस पे लेकिन उनका रोल उतना ज़्यादा, उनका करेक्टर पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये फिल्म के अंदर उनके करेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और ये करेक्टर उन पर बहुत ही सूट होता है। आप जानते हैं फेयर एंड लवली है या वो कई एडवर्टाइजमेंट वो करती है यामी, इस फिल्म में भी वही कैरेक्टर है उनका, लेकिन वो अंदर जाती है इस कैरेक्टर के अंदर और उसका जो कैरेक्टर है सही मानों में, असली मानों में दिखाई देता है स्क्रीन पे, तो सच्चाई दिखाई देती है उनकी उनकी एक्टिंग में। और ये कैरेक्टर उनके लिए उनके फिल्मी करियर का एक सबसे अच्छा कैरेक्टर रहेगा मेरे नज़र में। जावेद जाफरी मुझे थोड़ा इस फिल्म के अंदर वेस्टेड लगे, उतना अच्छा रोल नहीं दिया गया उनको, लेकिन सौरभ शुक्ला का रोल बहुत ही अच्छा है फिल्म के अंदर। सीमा भावा तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनका जो ह्यूमर या फिर उनकी कॉमिक टाइमिंग है बहुत अच्छी रहती है, इस फिल्म में उनका रोल थोड़ा कम है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। बाला एक ऐसी फिल्म है जहां आपको एक ऐसा एहसास दिलाएंगी, एक अच्छापन का एहसास दिलाएंगी कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। जहां भी जो चीज़ बदसूरत है दुनिया में आपको वो चीज़ को खूबसूरती, उसकी खूबसूरती अंदर से देखनी चाहिए। और एक ऐसी फिल्म है जहां पर आपको हंसी भी आएंगी, आपको रोना भी आएगा, आपको फीलिंग्स आपके जो अंदर है और उठ जाएंगी और समझ में आएगा कि ये जो सोसाइटी में हो रहा है ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। ये हर चीज़ इस फिल्म में बहुत सिंपल तरीके से दिखाई गई है, कोई कॉम्प्लिकेटेड का चीज़ नहीं है इसके अंदर। ऐसी फिल्म है जहां मैं बोल सकता हूं कि ये साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भी रहेंगे मेरे ख्याल से। ये फिल्म को मैं दूँगा बेझिझक 4 out of 5 या 4 stars। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी हिंदी आज बहुत छुट्टी पुटी है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन फिर भी आप मुझे सहन कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक तो करना चाहिए आपको, और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है मैं उसको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।